फिल्मी बातें विद अभिसार। खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। फिल्म एजेंसी पिंक विला की इस खबर के मुताबिक सलमान खान ने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं क्यों, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उनके दोस्त बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया था गैंगस्टर्स ने, शूटर्स की गोली ने, और आरोप किसी और पर नहीं इस व्यक्ति पर लगा जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, अगर पिंक विला की यह खबर सच्ची है तो इसके खासे मायने हैं दोस्तों। यह बतलाता है कि सलमान अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वरना इस वक्त 2 करोड़ की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की वजह क्या हो सकती है। यही नहीं, उनके पिता सलीम खान भी सामने उभर कर आते हैं और एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके बेटे ने काले हिरण का शिकार ही नहीं किया। एबीपी न्यूज को यहां पता होना चाहिए कि सलमान खान को काला हिरण के शिकार में 5 साल की सजा मिल चुकी है, 10,000 रुपए का जुर्माना है। 1998 में हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान यह घटना हुई थी। अगर यह काम सलमान खान ने नहीं किया तो किसने किया? इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए सलीम खान साहब को। मुझे बहुत अचरज हो रहा है एबीपी न्यूज के इस रवैये पर। क्या एबीपी न्यूज एक गैंगस्टर के हाथों में खेल रहा है? सबसे बड़ी बात, जब यह मामला सेटल हो चुका है अदालत के सामने, तो एबीपी न्यूज सबसे पहले सलीम खान साहब का इंटरव्यू करता है, उसके बाद वो बिश्नोई समाज के पास जाता है जो सलीम खान और सलमान खान के खिलाफ बयान देते हैं। यह करने का अर्थ क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। जब खुद लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में बंद है तो क्या उसकी धमकियों को इस तरह से ग्लोरीफाई करना सही है? आपको याद है दोस्तों, ये यही एबीपी न्यूज था जिसने लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से इंटरव्यू किया था। अजीबोगरीब बात है ना कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के एबीपी न्यूज को भी इंटरव्यू दे देता है। और यही नहीं दोस्तों, एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ भी लॉरेंस बिश्नोई की बातचीत जो है वो सामने उभर कर आई। इधर पिंक विला कह रहा है कि सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण की एक खबर सामने उभर कर आई है जिसे भड़काऊ कहा जा सकता है। खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सलमान खान पर कोई असर नहीं पड़ा, सिकंदर की शूटिंग बदस्तूर जारी है। दैनिक जागरण क्या कहता है आपके स्क्रीन्स पर, सिकंदर की नहीं रुकेगी शूटिंग। सलमान खान को जान से मारने की मिल रही धमकियों के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। सलमान खान धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो टाइट सिक्योरिटी के बीच एक्शन थ्रिलर मूवी सिकंदर की शूटिंग करेंगे। फिल्म की शूटिंग मुंबई की जगह कहीं और होने वाली है, जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप दैनिक जागरण की इस खबर की भाषा पर निगाह डालें तो यह काफी भड़काऊ है। क्या दैनिक जागरण यह उम्मीद कर रहा है कि एक धमकी के चलते सलमान खान और पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपने घर में बैठ जाएं? आखिर दैनिक जागरण कहने की क्या कोशिश कर रहा है? मैं फिर से लौटना चाहूंगा पिंक विला की इस खबर की ओर। इस वक्त यकीनन सलमान इस मुद्दे को लेकर दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा रोहित गोडारा के शूटर्स उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने गोलीबारी की। बाबा सिद्दीक की हत्या के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा सीधे तौर पर उनके जो सलमान खान के साथ ताल्लुकात हैं उसे मान रहा है। फिल्मी बातें विद अभिसार।